विपक्ष आत्मविश्वास कभी कभी असफलता का कारण बनता है। स्मरण रहे ऋषि दुर्वासा और उस वानर बालक की अनुपस्थिति में ही कल्प वृक्ष को पाताल लोक में लाना होगा। युक्ति शक्ति पर भारी पड़ती है लंकेश, हमारी युक्ति कार्य करेगी। स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऋषि दुर्वासा के आह्वान पर यहाँ आया है। कितना अद्भुत और सुंदर है ये कल्प वृक्ष। इससे जो प्रार्थना करो, जो मांगो, सबकी पूर्ति करता है ये कल्प वृक्ष। बड़े तेजस्वी है ऋषि दुर्वासा, ये कल्प वृक्ष स्वर्ण रजत सब दे सकता है। समुद्र मंथन से निकला है कल्प वृक्ष, ये जिसे मिल जाए वो इंद्र के समान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न हो जाए। बंधु सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा? हाँ बंधु सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा? आप सब शांत हो जाएं। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुने। अब से मेरी तपस्या पूर्ण होने तक यहां मैं और मेरे शिष्यों के अतिरिक्त मात्र हनुमान रहेगा। हनुमान को मैंने कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है, अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस स्थान को अति शीघ्र रिक्त कर दें। जो आ गया ऋषि। भूल हो गई तो? पूर्व मुझे माँ और पिताश्री के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु अब ऋषिवर के आदेश अनुसार मैं इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। नियम है कि तपस्या आरंभ करने से पूर्व स्नान करना आवश्यक होता है, इसलिए मैं अपने समस्त शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर होकर आता हूं। तब तक तुम्हें और अधिक सजगता के साथ कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, मैं पूर्ण सजग रहूंगा। स्मरण रहे, कल्प वृक्ष को प्राप्त करने के लिए असुर कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम असुरों से कल्प वृक्ष की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ हो। ऋषिवर, कल्प वृक्ष की रक्षा करने का दायित्व हनुमान के लिए सर्वोपरि होगा, जिसे हनुमान पूर्ण क्षमता के साथ निभाएगा। और मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मेरे रहते कल्प वृक्ष पर कोई संकट नहीं आ सकता। हम कल सूर्योदय तक लौट आएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए ऋषिवर। प्रणाम। मर का
विराट, युपाक्ष की माया, अतिबल की युक्ति, इनके समक्ष नहीं चलेगी तुम्हारी कोई भी शक्ति। यही है उचित समय युपाक्ष। अतिबल, जैसा बताया था वैसा करो। समय हो गया है, कल्प वृक्ष आएगा, समृद्धि लाएगा, स्वर्ण और माणिक्य मोतियों के भंडार। सुंदर नृत्यांगनाएं, कुछ कंपन सा हुआ। ध्वनि भी है और कंपन भी है। कुछ तो विचित्र सा घटित हो रहा है पृथ्वी के भीतर। अभी देखता हूँ। मरकट बड़ा चतुर है, यदि इसे युपाक्ष के बारे में ज्ञात हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, हनुमान, मुझे संकट से निकालो। हनुमान, ये तो ऋषि दुर्वासा का आर्तनाद है, अवश्य वो किसी संकट में होंगे। हनुमान, 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 मैं आ रहा हूँ ऋषिवर। बलबल बलबल बलबला बलबल, तो मरकट फंस ही गया महानतम वाली की चाल में, छोड़ ही गया कल्प वृक्ष को अकेला। ऋषिवर दुर्वासा जैसे महातेजस्वी ऋषि पर कोई संकट कैसे आ सकता है?
कहीं कोई हनुमान के साथ छल तो नहीं कर रहा है? हनुमान! मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता। कल्पवृक्ष के उखड़ने के कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे कैसे कहीं जा सकता है कल्पवृक्ष? ऊपर जाकर देखता हूँ। समझ सका कि मेरे साथ कोई छल कर सकता है। हनुमान, हनुमान कल्पवृक्ष की रक्षा करने में असफल हो गया। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट कि असफलता और पराजय कितनी पीड़ा देती है। हनुमान, वचन नहीं निभा पाया, कोई छल से उस कल्पवृक्ष का अपहरण कर लिया किसी ने। माँ, इतना विशाल कल्पवृक्ष कौन लेकर जा सकता है, वो भी इतने कम समय में? ये तो असंभव है स्वामी, अवश्य ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। ये तो अनर्थ हो गया, अब ऋषि दुर्वासा के कोप से मेरा हनुमान कैसे बचेगा? क्या होगा स्वामी? ऋषि दुर्वासा तो छोटी सी बात पर शाप दे देते हैं, और ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है हनुमान से। माँ, पिताश्री, मुझे शाप का भय नहीं है, मुझे तो भय इसका है कि जिस ससुर ने उसका अपहरण किया है वो उसकी सहायता से न जाने क्या अनर्थ कर देगा। अद्भुत है महाराज, कल्पवृक्ष अद्भुत है। कल्पवृक्ष अद्भुत है, देवताओं को शक्ति और समृद्धि मिलती है इससे। अब ये हम असुरों का है, अब हमें असुरों का है, अब हमें असुरों का है, ये है दिव्य कल्पवृक्ष। अब हम पाताल लोक को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बनाएंगे। इस कल्पवृक्ष की सहायता से अब
ये हम सबको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करेगा। पाताल राजुपाक्ष की जय। 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 अब तक देवताओं ने बहुत सेवा ली है इससे, अब ये हमारी सेवा करेगा, जो हम चाहेंगे वो प्रदान करेगा ये। अब से हम असुरो का दास है ये कल्प वृक्ष। माँ, सफल हो गया आपका हनुमान। हनुमान आपके वचन को नहीं निभा पाया। पिताश्री, आपकी कृति धूमिल हो जाएगी हनुमान की वजह से। अवश्य ही किसी बड़े मायावी राक्षस ने किया है। मैं अपने पुत्र को इतनी सहजता से कैसे परास्त होने दे सकती हूँ? हनुमान, मैंने तुम्हें पराजय को स्वीकार करके साहस खोना नहीं सिखाया। योद्धा वही होता है जो रणभूमि में गिर के पुनः खड़ा हो जाए। विजयश्री भी उसी का आलिंगन करती है जो अंतिम श्वास तक पराजय को स्वीकार न करे। बस हनुमान, चक्रासुर, मेघासुर, पंचपन जैसे महाबली ही नहीं, कालदेव को भी जिस हनुमान ने परास्त कर दिया, वो हनुमान इस छोटी सी पराजय पर अश्रु बहा रहा है। नहीं हनुमान, तुम्हारे अश्रु अपने पिता की कीर्ति ही नहीं, अपनी माँ के संस्कार और सीख पर भी प्रश्न चिन्ह है। तुम दुर्बल नहीं हो पुत्र, तुम योद्धा हो। पोंछ डालो ये आंसू और इस पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिखाओ हनुमान। पिताश्री की कीर्ति को धूमिल नहीं होने दूंगा मैं। ऋषिवर के आने से पूर्व वो कल्पवृक्ष वहां सुशोभित होगा, ये मेरा वचन है माँ। संसार में चाहे कोई भी किसी भी दिशा में कल्पवृक्ष को ले गया हो, हनुमान उसे ढूंढ निकालेगा। मुझे आपके आशीर्वाद की शक्ति चाहिए। तुम्हारी विजय हो पुत्र हनुमान। पर दुख हरन शोक नाही, भय विषाद तिनके मन माही। हनुमत कुमलत समतरु पाती, अंजन समुझाए बहु भांति। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमत। प्रणाम नानी। प्रणाम मौसी।
मरकट, अब तुम समस्त दिशाओं में ढूंढ लो, किंतु अब तुम्हें शाप मिलेगा ऋषि दुर्वासा का। कल्प वृक्ष नहीं मिल सकता। हनुमत मात पिता संभारी, उड़े अंजनी सुत बल भारी, जिमी अमोघ ब्रह्म कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। गाथा बाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। अब देखो रक्ष वीरो, ये दिव्य कल्प वृक्ष हमारा दास कैसे हमें धन संपदा प्रदान करता है। कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत के ढेर प्रदान करो पाताल लोक में। ये तो ना ही स्वर्ण दे रहा है ना ही रजत। तुमने सुना नहीं कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत प्रदान करो हमें। कल्प वृक्ष की तो दिव्यता क्षीण हो रही है। मेरा आदेश मानो कल्प वृक्ष, इस पाताल लोक को स्वर्ग लोक से भी सुंदर बना दो। तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होगी कल्प वृक्ष, यही उपाक्ष का आदेश है। तुम पाताल लोक को सुंदर सुंदर सेविकाओं से शोभित कर दो। ये क्या हो रहा है कल्प वृक्ष? तुम्हें लोग इच्छा पूर्ति कहते हैं, यदि इसके लिए कोई और विधि पूरी करनी हो तो मैं करूंगा, पर तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा कर रहूंगा मैं कल्प वृक्ष। ये क्या, कल्प वृक्ष विपाक्ष की इच्छा पूर्ति करना तो दूर, स्वयं की दिव्यता भी खोने लगा है। बड़े बड़े कार्य या महान इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उनकी कामना करते समय मनुष्य मन हृदय एवं आत्मा से पूर्णतया शुद्ध हो और श्रद्धा से परिपूर्ण, देह की पवित्रता देवों से भी अपनी इच्छा पूर्ति करा लेती है। कल्प वृक्ष एक दिव्य और पवित्र वृक्ष है। असुरों के अशुद्ध तन मन एवं आत्मा तथा पाताल लोक के दूषित वातावरण के कारण कल्प वृक्ष ने युपाक्ष की इच्छा पूर्ति नहीं की। यही नहीं, अपनी दिव्यता को भी क्षीण कर लिया। स्मरण रहे, ईश्वर या किसी अन्य से कुछ पाने की प्रार्थना करते समय यदि आप तन मन एवं आत्मा से शुद्ध हैं, श्रद्धान्वित हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आश्चर्य है, हर स्थान देख लिया, कल्प वृक्ष के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। कल्प वृक्ष को कल प्रातः काल से पूर्व वापस लाना है, किंतु उसके बारे में कोई छोटा सा भी संकेत नहीं मिल रहा है। शिष्यों, हमें स्नान करने के पश्चात और शीघ्रता करनी होगी। कल प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व हमें कल्प वृक्ष के निकट तक पहुंचना है। हनुमान तो रिक्त हाथ लौटा है, न जाने क्या होगा।
पिताश्री, मैंने संपूर्ण धरती का भली भांति अवलोकन कर लिया, किंतु ना तो मुझे कल्पवृक्ष दिखा और ना ही उसका कोई चिन्ह। आश्चर्य की बात है, इतने कम समय में दिव्य कल्पवृक्ष को कोई इतनी दूर कैसे ले जा सकता है कि ना तो तुम देख पाए और ना कोई और। जिसने भी इस कल्पवृक्ष को चुराया है उसने बड़ी चतुराई का काम तो किया है, परंतु उसने एक भूल भी की है। उसकी वही भूल मुझे उस तक पहुंचाएगी। अब शीघ्र बताओ पुत्र हनुमान, कल्पवृक्ष चुराने वाले ने ऐसी कौन सी भूल की जिससे उसको ढूंढना संभव होगा? पिताश्री, भूल तो उससे हुई है, दिवस के प्रकाश में ऐसा नीच कृत्य कर बहुत बड़ी भूल कर बैठा है वो। क्योंकि दिवस संपूर्ण संसार में प्राणियों की गतिविधियां चाहे कोई देखे या ना देखे, परंतु समस्त जीवन के प्रकाश और ऊर्जा स्रोत जगत को प्रतिदिन अपना दर्शन देने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे गुरु सूर्यदेव से दिवस की अवधि में पृथ्वी की कोई घटना नहीं छिपती। सत्य है, तुम वास्तव में विद्यावान गुणी अति चातुर हो हनुमान। संपूर्ण दिवस आकाश में स्थित रहने वाले पृथ्वी पर समान दृष्टि डाले उनको अवश्य ज्ञात होगा कि किसने कल्पवृक्ष को चुराया है और वो उसे कहाँ लेकर गया है। वो अपने शिष्य को निराश नहीं करेंगे, वो मुझे अवश्य बता देंगे। हनुमान को शीघ्र सूर्य देव के पास जाना चाहिए। आशीष दीन प्रभु प्रिय जाना, हो हनुमत बल बुद्धि निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा परमेश्वर छोहु। बार बार नाय उपत सीसा, बोले वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ देख्याता। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 सृष्टि के सृजन करता स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस से इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य सरोवर की उत्पत्ति हुई। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात जलाशय। मानस और सरोवर, इन दो शब्दों की संधि से इस पवित्र सरोवर का नाम पड़ा मान सरोवर। गुरुवर, हम इस सरोवर एवं जल की महिमा जानने के लिए उत्सुक हैं। मान सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने वाले और उसका पान करने वाले सभी मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप खुल जाते हैं और वे सदैव सुखी रहते हैं, और मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा को
भगवान शिव की शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां शीघ्र स्नान कर अपने तन मन और कर्म को शुद्ध कर हम तत्काल कल्प वृक्ष के समीप पहुंच जाएंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है, तप आरंभ करने का शुभ मुहूर्त कल का सूर्योदय है। कल सूर्योदय तक की ही समय की अवधि है हनुमान के पास। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने से पूर्व मुझे कल्प वृक्ष को ढूंढकर उसे यहाँ पर स्थापित करना होगा। जी रहते हैं, किंतु क्या आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी को कल्प वृक्ष अपने स्थान से हटाते हुए या कहीं ले जाते हुए आपने देखा है? नहीं पुत्र। फिर क्या कोई कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक में ले गया है? स्वर्गलोक का कोई निवासी ऋषि दुर्वासा के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा हनुमान। पुत्र हनुमान, यदि कल्प वृक्ष ना तो पृथ्वी मार्ग से और ना ही वायु मार्ग से कहीं ले जाया गया है तो फिर वो कहां लुप्त हो सकता है हनुमान? पाताल लोक। गुरुदेव, समझ गया, जिसने भी इस कल्प वृक्ष को अपने स्थान से हटाया है वो उसे अवश्य पाताल लोक ही ले गया होगा। हनुमान अभी पाताल लोक जाकर उस दिव्य कल्प वृक्ष को ढूंढ कर ले आएगा। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। रुको पुत्र। वो दिव्य कल्प वृक्ष पाताल लोक में दुष्ट असुर युपाक्ष के पास हो सकता है। ये वही युपाक्ष है जिसको वरदान प्राप्त है कि वरदान प्राप्त है मुझे मात्र नारायण, या उनसे वरदान प्राप्त कोई उनके समान कोई अन्य शक्तिशाली योद्धा मात्र वराह रूप में मेरा संहार कर तुम्हें मुक्ति दिला सकता है कल्प वृक्ष। परंतु नारायण क्यों आएंगे तुम्हारे लिए? इसीलिए अब अनंत काल तक तुम मेरे बंदी हो कल्प वृक्ष, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। वराह रूप धारण करने के लिए तो मुझे प्रभु नारायण के पास जाकर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। सहस्त्रों वर्षों के कठिन तप के बाद प्रभु नारायण प्रसन्न होते हैं पुत्र, उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सरल नहीं। किंतु हनुमान के पास तो बहुत अल्प समय है, मात्र ऋषिवर दुर्वासा के तप के आरंभ होने के मुहूर्त तक की समय अवधि है हनुमान के पास। ऐसी स्थिति में हनुमान क्या करे गुरुदेव? गुरुदेव, हनुमान के पास प्रभु श्री नारायण के पास जाने की और एक युक्ति सूझ रही है। सर्वप्रथम मुझे माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होगा। मेरी माँ कहती है कि पूर्ण निष्ठा से और सच्ची श्रद्धा से उनका पूजन करता है तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर इच्छित वर दे देती है। यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, तो भगवान नारायण को प्रसन्न होना ही होगा। तुम उचित कहते हो हनुमान, परंतु माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक बिना किसी व्यवधान के करनी होगी, तभी वो पूर्ण होगी। और उसके लिए तुम्हें कमल, कमलगट्टा, शंख, कौड़ी, शहद, नारियल, पान पुष्प,
और फल इत्यादि का प्रबंध करना होगा। सच्चे हृदय और शुद्ध भावना से उनकी पूजा कर यह सब देवी माँ को समर्पित कर देना, तो वो अवश्य प्रसन्न होंगी। प्रभु, मुझे प्रसन्न करने के लिए हनुमान को एक परीक्षा देनी होगी। अब और परीक्षा मत लो युपाक्ष के संयम की। पहले तुम्हें विनम्रता से कहा, फिर तुम्हें आदेश दिया, फिर भी तुमने नहीं सुना। परंतु अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण करो, अन्यथा मैं तुम्हें जला दूंगा कल्प वृक्ष। तुम्हारी प्रत्येक टहनियां पत्ते भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाओगे तुम। कल्प वृक्ष की रक्षा करने के लिए मुझे अति शीघ्र अपनी पूजा से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक बिना किसी व्यवधान के करनी होगी, तभी वो पूर्ण होगी। माता की पूजा ऐसे ही छोड़कर चला गया तो माता को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, और किसी असहाय की सहायता करना भी सर्वोच्च धर्म है, मैं उसे खंडित भी नहीं कर सकता। कोई जल दे दो मुझे। मुझे क्षमा करना माता, कोई जल दे दो मुझे, कोई जल दे दो। लीजिए माता, जल लीजिए, पीजिए।
तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। तुमने जल देकर मेरे प्राण रक्षित किए। मैं इसी मंदिर में रहकर इनकी सेवा करती हूँ। बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए ना मुझे भोजन मिला ना जल, और मेरी अवस्था ऐसी हो गई। माता, मैंने ऊपर मंदिर में भोजन आदि एकत्रित कर रखा है, आप चलिए और इनका आहार कीजिए। आइए माता, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं राजी है माता। ये लीजिए माता, भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। तुम यहाँ देवी माँ की पूजा कर रहे थे, ये तो अनर्थ हो गया पुत्र। तुम अपनी पूजा बीच में छोड़कर मुझे देखने क्यों चले आए? और देवी माता को अर्पित करने के लिए एकत्रित जल एवं फल आदि तुमने मुझे क्यों दे दिए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पुत्र। मेरे कारण तुमने माता लक्ष्मी जी की उपेक्षा कर दी, अब तो मैं भी तुम्हारे इस पाप की भागीदार बन गई। जगत की सारी नारियां माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूपनी है। यदि मैं आपकी सेवा करता तो माता लक्ष्मी जी को कोई उपेक्षा नहीं होती। यदि मैं आपकी सेवा ना करता तो उनको कष्ट होता और ये मुझ पर अत्यंत कुपित हो जाती। परंतु इसमें व्यवधान पड़ने से तुम्हारी पूजा तो अपूर्ण रह गई। माता, मेरी माँ कहती है कि किसी निराश्रय और असहाय प्राणी की कोई सेवा करे उसे भी भगवान की ही आराधना ही कहते हैं। मेरी पूजा और अपनी पूजा की सामग्री में पुनः एकत्रित कर अपनी पूजा संपन्न कर सकता हूँ। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पास बहुत अल्प समय है, परंतु समय पर आपकी सेवा करना भी आवश्यक था। यदि मैं आपकी सहायता न करता मेरी पूजा पूर्ण होकर भी अपूर्ण रह जाती। पुत्र हनुमान, तुम धन्य हो, तुम्हारी पूजा सफलता पूर्वक संपन्न हुई है। आप क्या कह रही हैं माता? हाँ पुत्र, मेरी पूजा का अर्थ केवल मेरी आरती करना नहीं है, उसका अर्थ है मेरे प्रत्येक रूप का सम्मान करना, सर्व जीवन की सेवा करना, सबके दुख हरने की चेष्टा करना। तुमने सही अर्थों में मेरी पूजा का मर्म समझकर मेरी अर्चना की है।
लक्ष्मी जी। हनुमान ने जो किया वो किसी भी मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सर्वोत्तम कृत्य है। अपनी पूजा पूर्ण करने के लिए उन्होंने निरीह निराश प्राणी के जीवन का तिरस्कार नहीं किया अपितु वरण किया। सर्वप्रथम उनके प्राणों की रक्षा की और ये प्रमाणित कर दिया कि अन्य प्राणियों की सेवा करना, उनके दुखों को दूर करना प्रभु की पूजा के समान है। हनुमान की ये मान्यता भी पूर्णतः सत्य है कि प्रत्येक नारी में लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती त्रिदेवियों के रूप का अंश छिपा होता है। इसलिए किसी भी नारी की अवहेलना और अपमान स्वयं त्रिदेवियों का अपमान है। इसलिए जिस समाज एवं गृह में नारी का सम्मान होता है वहां समृद्धि आती है और जहां अपमान होता है वहां पतन और विनाश होता है। इसीलिए प्रत्येक नारी का सम्मान ही सही अर्थों में देवी की पूजा है। कल्याण हो पुत्र हनुमान, मैंने ही तुम्हारा प्रसाद और जल ग्रहण किया है, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ पुत्र कि तुम्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और उस असुर का वध करने के लिए तुम अपने जीवन में एक बार वराह रूप ले पाओगे। माता प्रणाम। माता आपकी कृपा पाकर हनुमान कृतार्थ हो गया। अब हनुमान निश्चिंत होकर कल्प वृक्ष की रक्षा करने के लिए पाताल लोक जा सकेगा। अंधकार और इस गुफा के अनेकों द्वार और अनेकों गुफा द्वारों के मध्य हनुमान को कुछ नहीं सूझ रहा कि दिव्य कल्प वृक्ष कहाँ है। हनुमान अब कौन सा मार्ग ले दिव्य कल्प वृक्ष को ढूंढने का।
ऋषि दुर्वासा जी शिष्यों के संग किसी भी क्षण मानसरोवर से लौट कर आ सकते हैं। किंतु अभी तक कल्प वृक्ष मिला नहीं है, क्या करूं मैं? ये कल्प वृक्ष दिव्यता खो चुका है अपनी, सूख कर निर्जीव हो गया है ये। अब ये मेरे किसी लाभ का नहीं, किसी को कुछ नहीं दे सकता ये। तुम इसे शीघ्र ही जलाने की व्यवस्था करो। तो अनर्थ हो जाएगा। दिव्य कल्प वृक्ष तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे दिव्य कल्प वृक्ष, मुझे ज्ञात है आप यहीं कहीं पाताल लोक में ही हैं। मैं आपकी रक्षा कर आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। पाताल में आपको कहाँ ढूंढूं? उसका संकेत दीजिए मुझे। हनुमान की मात्र ये इच्छा पूर्ण कर उस पे कृपा कीजिए। तुम्हारी चिता का प्रबंध कर दिया है उपाक्ष ने कल्प वृक्ष। पाताल राज उपाक्ष एक अवसर और देता है तुम्हें, मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अच्छा है, प्रतीत होता है मुझसे भयभीत होकर तुमने अपना हठ त्याग दिया है कल्प वृक्ष। क्या हो रहा है? ये तो पत्र तुमसे टूटकर गिर रहा है कल्प वृक्ष। तेज भी समाप्त हो गया तुम्हारे इस पत्र का, गिरकर निस्तेज हो गया है ये। धूर्त वृक्ष, पाताल राज उपाक्ष के साथ इस छल का दंड अवश्य मिलेगा तुझे। नष्ट कर देगा उपाक्ष तुझे। हे कल्प वृक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दिव्य प्रकाश पुंज, अवश्य ही ये किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसकी आभा बढ़ रही है। और ये क्या, इसके मध्य तो दिव्य कल्प वृक्ष की छवि दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है दिव्य कल्प वृक्ष ने मेरी पुकार सुन ली है और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए इस दिव्य प्रकाश पुंज को भेज दिया। हमें सूर्योदय के पूर्व पहुंचना है और अधिक तीव्र गति से चलना होगा। मेरी इच्छाओं को सुनकर निस्तेज हो और कुमला गए तुम।
तो अब झुलसो मेरी अग्नि से। यहाँ इसी क्षण पाताल में ही तुम्हारा अंत होगा कल्पवृक्ष। क्षण भर में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। नष्ट हो जाओगे तुम कल्पवृक्ष, नष्ट हो जाओगे। प्रतीत होता है ये वही असुर युपाक्ष है जिसके बारे में गुरुदेव ने बताया था। अच्छा तो तुम ही हो वो मरकट वानर बालक हनुमान। तुमने मेरे द्वारा जलाई हुई अग्नि को बुझाने का दुस्साहस किया। हाँ, और तुमने इस दिव्य कल्प वृक्ष को चुरा कर लेके आने का दुस्साहस किया। हाँ, मैं ही लाया हूँ इसे यहाँ, इसीलिए अब ये मेरा है। इसे यहाँ से लेके जाने के प्रयत्न को विफल कर दूंगा मैं। ये यही रहेगा क्योंकि मैंने लंकेश रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। क्या वाली भैया भी षड्यंत्र में भागीदार है? हाँ, परंतु तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर अपने छल से इसे यहाँ लाने की सामर्थ्य मेरी ही थी। ये दिव्य कल्प वृक्ष का स्थान नहीं है, मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने दीजिए, अन्यथा मुझे इन्हें ले जाने के लिए बल प्रयोग कर इन्हें इनके स्थान पर स्थापित करने के लिए बाध्य होना होगा। युपाक्ष तुम्हें यहाँ से कल वृक्ष नहीं ले जाने देगा वानर बालक। अब तुम्हें युपाक्ष की शक्ति का आभास हो जाएगा वानर बालक। शक्ति और युक्ति दोनों लगा सकता है। Thank you.
प्रतीत होता है। अब तुम्हें युपाक्ष का वास्तविक रूप दिखाना ही पड़ेगा वानर। वास्तविक रूप जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे। इस प्रकार मेरे मार्ग में से हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। इस कल्पवृक्ष को तुम मुझसे नहीं बचा सकते हनुमान। तुम्हारे देखते देखते मैं इस कल्पवृक्ष को अग्नि से भस्म कर दूंगा हनुमान, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे हनुमान। हे प्रभु नारायण जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है, अपने वरदान को फलित कीजिए, मुझे वराह रूप धारण करने की अनुमति दीजिए। ये क्या, इसने भी वराह रूप ले लिया। इसका अर्थ ये मेरी मृत्यु का रहस्य जान गया है, किंतु मैं इससे पूर्व इस वानर बालक का वध कर दूंगा। Ah!
इसने तो पाताल राज विपक्ष का वध कर दिया। भागो, कहीं ये हम पर वार न कर दे। भागो। प्राप्त कर रहे हैं। प्रणाम दिव्य कल्पवृक्ष। हनुमान आपको पूर्ण वैभव में देखकर धन्य हो गया। अब मैं आप पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। आपको सुरक्षित लौटाकर ले जाऊंगा मैं। दिशा से सूर्य की लालिमा ये संकेत दे रही है कि सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और उत्तर दिशा से ऋषि दुर्वासा कभी भी आ सकते हैं। मुझे तो हनुमान और कल्पवृक्ष की चिंता हो रही है। जगत कल्याण और परहित के लिए पूर्ण समर्पण और सच्ची लगन से जो कार्य करते हैं उनके मार्ग में बाधाएं तो आती ही हैं, किंतु उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अपने माता पिता के वचन का अवश्य मान रखेगा और ऋषि दुर्वासा के आने से पूर्व कल्पवृक्ष को उसके स्थान पर ले आएगा। महाराज, महाराज वो देखिए युवराज हनुमान। दिव्य कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, विपत्ति के क्षण टल गए, हमें आपके दिव्य दर्शन पुनः प्राप्त हो गए, हम कीर्तार्थ हुए।
माँ। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मुझे ज्ञात था तुम समय से पूर्व यहाँ वापस लौट आओगे। हनुमान मेरे लाल, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी पुत्र। पिताश्री, माताश्री, इस कार्य को पूर्ण करने का श्रेय तो मुझे आप दोनों को ही देना चाहिए। आप दोनों ने ही मुझे शक्ति दी, मेरा विश्वास जागृत कर मुझे सफलता के लिए प्रेरित किया। आप दोनों के कारण ही मैं सफल हुआ हूँ। तुमने हमारी लाज रखी पुत्र। मुझे विश्वास था पुत्र, अपने कर्तव्य निष्ठा और साहस से इस संकट पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। प्रणाम ऋषिवर, हनुमान का स्वागत पुनः स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुमने कल्प वृक्ष की सुरक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिश्चित की। अब मैं आश्वस्त होकर अपना तप प्रारंभ कर सकता हूँ। अवश्य ऋषिवर, परंतु उसके पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि दुर्वासा को कुछ भी बताना युवराज हनुमान के लिए अहितकर हो सकता है। कहीं वो कुपित होकर युवराज को शाप ना दे दें। आपके जाने के पश्चात जब मैं कल्पवृक्ष की रक्षा कर रहा था। हनुमान, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनता, किंतु अभी समय नहीं है। मुझे अपना तप प्रारंभ करना है, अन्यथा यह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। वत्स हनुमान, इस तपस्या में अनेकों माह और वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ इस स्थान और कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर आप निश्चिंत रहिए, हनुमान इस बार पूर्णतः सजग रहेगा। आपके तप अथवा कल्प वृक्ष पर कोई आंच नहीं आने देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। रैन दिवस आवत और जावत, ऋतुएं नित नए रूप दिखावत, शीत ग्रीष्म वर्षा सब बीते, हनुमत भूख प्यास सब जीते। दुर्वासा भय जप में लीना,
केसरी नंदन रक्षा कीना, ऋषि तप पर आचना आई, हनुमत अपना वचन निभाई। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज केसरी, आपका सौभाग्य है कि आपको हनुमान जैसा पुत्र मिला। इसके कारण ही मैं अपना तप पूर्ण कर पाया। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं। कल्पवृक्ष की रक्षा में मुझसे भारी भूल हुई थी ऋषिवर। सदैव धर्म उचित व्यवहार कर सत्य बोलने वाला हमारा पुत्र ऋषि दुर्वासा से भी कुछ नहीं छिपाएगा। आपके जाने के पश्चात युपाक्ष नाम के एक असुर ने उसने कल्पवृक्ष को यहाँ से चुराकर उन्हें पाताल लोक ले गया था। परंतु मैंने आपके आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की वरदान की सहायता से पाताल लोक जाकर उस युपाक्ष का वध किया। कल्पवृक्ष को लौटा लाने में सफल रहा, परंतु उससे मेरी भूल समाप्त नहीं हो जाती ऋषिवर। मेरी भूल के लिए मुझे आप अवश्य दंड दीजिए ऋषिवर। हे ईश्वर, ऋषि दुर्वासा कहीं मेरे पुत्र को कोई अनर्थकारी श्राप न दे दे। जिस कार्य के लिए तुम्हें वरदान मिलना चाहिए वत्स हनुमान, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं। परंतु ऋषिवर, मैं चकित हूं। उस असुर ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने की मूर्खता कैसे की। अवश्य किसी के उकसाने पर उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया होगा। उसके कृत्य के लिए तो तुमने उसे दंडित कर दिया हनुमान, किंतु उसके सहयोगियों को भी दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या तुम्हें ज्ञात है हनुमान, इस षड्यंत्र में और कौन भागीदार था? मैंने लंकेश रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। मैं असत्य नहीं कह सकता, परंतु यदि सत्य कहा तो रावण के साथ वाली भैया भी ऋषि दुर्वासा के कोप का ग्रास बनेंगे। अब क्या करें हनुमान,
ऋषिवर को उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे? हनुमान, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं। बताओ, इस कृत्य में उस दुष्ट असुर युपाक्ष के साथ और कौन कौन सम्मिलित था? ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। वाली भैया भले ही इस कृत्य में सम्मिलित थे, किंतु मैं वाली भैया को संकट में नहीं डाल सकता। सदैव स्पष्ट बोलने वाला हनुमान आज इतने असमंजस में क्यों पड़ गया? यदि हनुमान को कुछ ज्ञात है तो बता देना चाहिए। ऋषि दुर्वासा हनुमान की इस बात पर भी क्रोधित हो सकते हैं। मेरे लाल को इस संकट से बचाना प्रभु। तुम्हारा ये मान भी कुछ कह रहा है हनुमान। कोई बात नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ। मैं अपने अंतर्चक्षुओं से अभी ज्ञात कर लूंगा कि इस दुष्कृत्य में कौन कौन सम्मिलित था। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अब वाली भैया को ऋषिवर के कोप से नहीं बचा पाऊंगा मैं। यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा कर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है। तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। हनुमान, 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 क्यों नहीं बताया तुमने कि ये दुष्कृत्य रावण और वाली ने कराया है? क्यों बचाना चाहते थे तुम उन दुष्टों को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अपराध करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी माना जाता है? क्षमा करें ऋषिवर, अपराध करने वाला यदि कोई अपना हो तो? अपना मानते हो तुम उन दुष्टों को? उनके कारण तुम्हें मेरा श्राप मिल सकता था हनुमान। उस दुर्वासा को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया, दंड भोगेगा वो वाली और भोगेगा वो दशानन। शकुन, कहीं स्वामी ने। हे महादेव, हे प्रभु, मुझ मंदोदरी की गुहार सुन। एक स्त्री का यू सौभाग्य सिंदूर गिर जाना इस बात का संकेत है कि उसके स्वामी पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। अब मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भक्त है ना, कृपया उनकी रक्षा कर।
ऋषि विशर्वा स्वामी के पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भावा, आप अचानक यहाँ? पुत्री मंदोदरी, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। रावण पर वास्तव में बड़ा संकट आने वाला है। महर्षि दुर्वासा का कोप लंकेश का सर्वनाश कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? सब बताने के लिए अभी समय शेष नहीं है पुत्री मंदोदरी। दुर्वासा ऋषि को मात्र तुम ही रोक सकती हो। शीघ्र उन्हें रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रावण का जीवन संकट में है। धूर्त वाली, अब भोगोगे तुम अपने दुष्कृत्य का फल। क्या करूं? लंकेश रावण के साथ वाली भैया को भी शापित होना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं ऋषिवर को? ऋषिवर, हनुमान की विनती है, वाली भैया को शाप मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए वाली भैया को। धूर्त है वाले, क्षमा योग्य नहीं है वो। दुष्टों को क्षमा करना उनकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। क्षमा को हमारी दुर्बलता मानकर वो और प्रबलता से पाप करने लगते हैं। उस वाली के पाप का दंड है श्राप, दंड है श्राप जो उसे भोगना ही होगा, भोगना ही होगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी, दया कीजिए ऋषिवर। दया कीजिए मुझ पर। यूं शाप देकर मेरे सौभाग्य सिंदूर को नष्ट मत कीजिए। क्षमा याचना उसके लिए की जाती है जो क्षमा के योग्य हो। मुझे रोकने से क्या होगा महारानी मंदोदरी? क्या आपने कभी अपने पापी पति को पाप करने से रोका? पाप कर्म सदैव मनुष्य को पतन के अंधकार भरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। अपने अंत का द्वार उसने स्वयं खोला है। इस पाप का फल उसे भोगना ही होगा। दया कीजिए ऋषिवर, मैं मानती हूँ वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे। मैंने उन्हें बार बार समझाया किंतु उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे अधर्मी सृष्टि पर बोझ होते हैं महारानी। ऐसे अधर्मियों का सर्वनाश होना ही चाहिए। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया। मुझे आप इस दंड का भागी क्यों बना रहे?
इस अबला नारी को दया की भिक्षा दे दीजिए। उनके सर्वनाश का अर्थ है मेरे सौभाग्य सिंदूर का मिट जाना। सौभाग्य सिंदूर नहीं, कलंक है वो तुम्हारी मांग का। ऐसे कलंक का मिट जाना ही उचित है। आप मुझे पुनः रोकने का प्रयास न करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति के साथ साथ आपको भी मेरे श्राप का भागी बनना पड़े। रावण पाले, अब भोगो अपनी करनी का दंड। नहीं ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। नहीं ऋषिवर, लंकेश रावण के साथ साथ वाली भैया को भी शाप मिल जाएगा। वाली भैया को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। ऋषि दुर्वासा ने तो अपने कमंडल से जल निकालकर हथेली में ले लिया। कहीं हनुमान को शाप ना दे दे वो, ऐसा ही प्रतीत होता है। कहीं वाली को रक्षित करने में ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर हनुमान को ही शाप ना दे दे।